हेलो सो फ्रेंड्स, ये है आपका L298 एन आईसी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो मोटर कनेक्शन दिए हुए हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर। यहाँ पे एक जम्फर लगा हुआ है, ये जम्फर 5 वोल्ट इनेबल के लिए है, जो कि आईसी से इनेबल 1 और इनेबल 2 को 5 वोल्ट देता है। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट लगाना है, यहाँ पे ग्राउंड है और यहाँ पे 5 वोल्ट। यहाँ पे इनेबल 1 और यहाँ पे इनेबल 2, ये दोनों को 5 वोल्ट से इनेबल किया हुआ है। यहाँ पे आपके इनपुट पल्स जाएंगे, मीन्स ये दो पिंस हैं, ये दो टर्मिनल्स को कंट्रोल करने के लिए, और ये जो दो पिंस हैं, ये दो टर्मिनल्स को कंट्रोल करने के लिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो बड़ी सी ब्लैक कलर की, ये है हीट सिंक की। जैसे अगर आईसी हीट होती है तो ये हीट सिंक के वजह से आईसी जल्दी डैमेज नहीं होगी। और ये जो मोटर ड्राइवर आईसी है, ये मोटर ड्राइवर आईसी मोटर को 2 एम्पियर तक कंट्रोल कर सकती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये 12 वोल्ट, ये ग्राउंड और ये 5 वोल्ट। तो चलिए मैं इसको आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। उसके लिए हमें चाहिए एक पावर सप्लाई। इसका वीडियो मैंने पहले से बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाकर पावर सप्लाई मोड में चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे है हमारा 12 वोल्ट, यहाँ पे है 5 वोल्ट और ये है ग्राउंड। तो चलिए इसका कनेक्शन कर लेते हैं।
सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने यहाँ पे सारा सेटअप कर दिया है। यहाँ पे दो मोटर लगा दिए हैं और यहाँ पे हमने यहाँ का जो 12 वोल्ट है उसको हमने इसके 12 वोल्ट के साथ लगा दिया, फर्स्ट वाले के साथ। यहाँ पे ग्राउंड है तो उसको हमने ग्राउंड को ब्राउन वायर से ग्राउंड लगा दिया, और ये जो 5 वोल्ट है 5 वोल्ट को हमने ब्लैक से 5 वोल्ट दे दी। अब मैं इसको 12 वोल्ट की सप्लाई देता हूँ। जैसे मैंने इसको 12 वोल्ट की सप्लाई दी, यहाँ पे लाइट ऑन हो गई एज अ इंडिकेटर, और यहाँ पे भी लाइट हमारी ऑन हो चुकी है। ठीक है, अब मैं इसको 5 वोल्ट से एक्सटर्नल पल्स देता हूँ। तो 5 वोल्ट से एक्सटर्नल पल्स देने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 5 वोल्ट में एक वायर डालना है और दूसरा वायर इसके इनपुट में। तो देखिए फ्रेंड्स, सॉरी मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे करके। ये मैं फर्स्ट मोटर के लिए दे रहा हूँ, फर्स्ट मोटर रोटेट हो रही है। अगर मैं यहाँ पे दूंगा तो मोटर की डायरेक्शन अपोजिट होगी। वैसे ही ये वाला सेकंड के लिए, और मैं इस पे दूंगा तो मोटर की डायरेक्शन उसकी अपोजिट। आपको मैं एक बार और दिखा देता हूँ। जैसे ही ये पल्स मैं पिन नंबर 1 पे दूंगा, ये मोटर इस डायरेक्शन में रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही मैं इसको निकाल के उसके नेक्स्ट में लगाऊंगा, मोटर उल्टा घूमेगी। ये मोटर 10 RPM के इसलिए स्लो चल रही है, और हमारी जो IC है वो IC नॉर्मल है, वो हीट नहीं हो रही अभी, क्योंकि अभी कुछ लोड ज़्यादा नहीं है। अब मैं सेकेंड वन को दिखाता हूँ। ये सेटिंग में इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर कभी आपकी मोटर फॉरवर्ड होने के बजाय रिवर्स चल रही है तो आप यहाँ पे इंटरचेंज करके मोटर की डायरेक्शन सेट कर सकते हो इजीली। अगर आपको दोनों मोटर एक साथ चलानी है तो जस्ट सिंपल है, इसमें से आप 5 वोल्ट का कनेक्शन ले लो और इसको दोबारा इस वाले पे डाल दो, तो दोनों मोटर चलने लगेगी। अगर मैं इस 5 वोल्ट को ग्राउंड में डालता हूँ तो क्या होता है वो चेक करते हैं। जैसे ये अभी चल रही है, इसको मैंने स्टॉप किया हुआ है, उसको मैं ग्राउंड में लगाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देखो ग्राउंड में ये कुछ ऑपरेट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे ही आपको डिफरेंस दिखेगा कि अगर आप मोटर ड्राइवर L293D यूज़ करोगे तो वो ग्राउंड से एक्टिवेट हो जाती है, और जबकि मोटर ड्राइवर L298N यूज़ करोगे तो वो 5 वोल्ट से ऑपरेट होती है, और L293D IC तुरंत हीट हो जाती है, और जबकि L298N IC ये आराम से 2 एम्पियर तक लोड लेते चलती है। देखो ये IC अभी भी हीट नहीं हो रही। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ये जो मॉड्यूल है ये बहुत ही अच्छा है। इसमें आप अपने कोई भी रोबोटिक्स प्रोजेक्ट या कोई भी मोटर ड्राइवर प्रोजेक्ट इजीली यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस मॉड्यूल की हेल्प से आपको रोबोट पे वर्क करना बताऊंगा।